हम सभी के अंदर मौजूद गुरु शक्ति को प्रणाम करके मैं आज के विषय की शुरुआत करता हूँ, जो कि है 22 मई 2020। जी हाँ, इस दिन आ रही है शनि जयंती के साथ में अमावस्या। भारत में शनि जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, परंतु ये जब अमावस्या के साथ आ जाए तो इस दिन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस दिन भक्त लोग शनि देव के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस दिन का महत्व क्या है, इस दिन हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। 2020 में 22 मई को इस दिन शुक्रवार पड़ रहा है, शनि जयंती के साथ में अमावस्या आ रही है। शनि देव न्याय के देवता हैं, ये सभी जानते हैं, और इसीलिए सभी के अंदर भगवान शिव को लेके थोड़ा बहुत भय भी बरकरार रहता है, क्योंकि शनि के गोचर के दौरान वैदिक ज्योतिष के अनुसार पूर्व के किए गए कर्मों के अच्छे और बुरे फल की प्राप्ति होती है, और इसीलिए शनि देव से संबंधित प्रार्थनाएं और पूजाएं सभी के लिए विशेष महत्व रखती हैं। शनि जयंती जब अमावस्या पर पड़ती है तो इस दिन की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत ही सशक्त दिन की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के कुंडली में खराब शनि के कारण जीवन में बहुत अधिक परेशानियां और संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, साढ़े साथी और ढैया भी मुसीबतों को बढ़ा रहा है, तो इस दिन पूजा अर्चना करके अपनी बाधाओं को कम कर सकते हैं। पितृ शांति पूजा करने के लिए भी यह दिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इससे पूर्वजों के आशीर्वाद को आकर्षित करने में मदद मिलती है। अगर किसी की कुंडली में ग्रहण दोष है, या फिर कोई व्यक्ति काले जादू से ग्रस्त है, या फिर उनके कुंडली में काल सर्प योग है, तो भी इस दिन विशेष पूजाएं अर्चनाएं कर सकते हैं। भक्त इस दिन जीवन को गंभीर दोषों से मुक्त करने के लिए शिव पूजा भी करते हैं। जीवन में समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए ये दिन काफी अच्छा माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जीवन को सफल बनाने के लिए शनि पूजा करने के लिए 22 मई 2020 का दिन काफी अच्छा माना जा रहा है। ये दिन बाधाओं को दूर करने के लिए, जीवन के पापों को कम करने के लिए, भगवान शिव की पूजा करने के लिए भी काफी शुभ माना जाएगा। अमावस्या के साथ शनि जयंती जब एक साथ आती है तो कुंडली में पितृ दोष, काल सर्प, प्रेत दोष आदि दोषों से छुटकारा पाने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन होता है। इस दिन काले जादू के शिकार लोग भी उतारा कर सकते हैं और खुद को बचाने के लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं। क्योंकि यह दिन शुक्रवार को पड़ रहा है, इसीलिए कुंडली में खराब या दुर्बल शुक्र वाले लोग भी व्यक्तिगत जीवन के परेशानियों को कम करने के लिए पूजाएं कर सकते हैं। जैसे प्रेम समस्याओं के समाधान है तो पूजा कर सकते हैं, वैवाहिक जीवन को ठीक करने के लिए पूजाएं कर सकते हैं, रिश्तों में आई दरारों को हटाने के लिए भी पूजाएं कर सकते हैं। यदि शनि साढ़े साती जीवन को तनावपूर्ण बना रही है, कुंडली में शनि दोष है, तो स्वामी शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन का उपयोग आप कर सकते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन शिव पूजा का भी विशेष महत्व हो जाता है। आइए जानते हैं जीवन के समस्याओं से मुक्ति के लिए इस दिन क्या प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन 22 मई 2020 को शाम को शनि की चीजों को लेकर अगर उतारा किया जाए और उसे पीपल के पेड़ के नीचे या फिर बहती नदी में डाल दें, तो शनि के दोष काफी हद तक कम होने लगते हैं। अगर आपके घर में दिन ब दिन लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो राई की धुनी दे के फिर गूगल या लोबान की धुनी घर पे कीजिए, इससे आपको बहुत बदलाव नजर आएंगे। सुबह जल्दी उठकर शनि देव की पंचोपचार पूजा करें और शनि देव के 108 नामों का जप करें और अपने बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना करें, इससे भी आपको बहुत लाभ होगा। सरसों के तेल के साथ शनि देव का अभिषेक भी एक अच्छा प्रयोग है, जो शनि देव के आशीर्वाद को आकर्षित करता है। आप पितृ शांति पूजा, काल सर्प शांति पूजा आदि पूजाओं के लिए भी ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं।
यदि आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन पितृतर्पण करना ना भूलें। क्षमता के अनुसार धन, कपड़े, खाद्य पदार्थ आदि का दान जरूरतमंद लोगों को जरूर करें। आइए अब जानते हैं ऐसी तीन चीजें जो कि शनि अमावस्या के दिन नहीं करना है। इस दिन शराब और किसी प्रकार के ड्रग्स का उपयोग ना करें, अन्यथा आप समस्याओं को आकर्षित कर सकते हैं। इस दिन किसी को परेशान करना भी दुर्भाग्य को आकर्षित करता है। इस दिन बाहर खाने पीने से बचें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के साथ ना मिलें जो आपको नुकसान पहुंचा सकता हो। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। इसकी पूरी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर भी मिल जाएगी, आप वहां से भी इसे पढ़ सकते हैं और आपके कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।